जी हाँ, आप बिल्कुल सही चीज को सुने हैं कि लॉकडाउन के बाद नोटों की बारिश आखिर कैसे होगी। ये जो आप YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को थंबनेल में जो आपने देखा कि लॉकडाउन में नोटों की बारिश, ये बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन के बाद नोटों की बारिश होगी, लेकिन कैसे? ये बात जितना सत्य है उतना ही ये सत्य है कि आज के डेट में जो हमारे इस परिवार के जितने भी एसोसिएट है, 100 में से 90% एसोसिएट के माइंड में कुछ कुछ बातें हैं जो अभी चल रहा है। सबसे पहला चीज है, कुछ एसोसिएट है जो निराश हो रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, इस बात को लेकर के वो चिंतित हो रहे हैं। कुछ एसोसिएट सोच रहे हैं क्या पहले जैसा सब कुछ होगा या नहीं। कुछ एसोसिएट का सवाल है कि लॉकडाउन के बाद स्मार्ट वैल्यू या हमारा क्या होगा। ये तरह तरह का निगेटिविटी ये न्यूज चैनल में देख करके, सोशल साइट में देख करके, इन चीजों को देख देख करके हम लोग घर बैठे बैठे निराश हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा, कैसे काम करेंगे, कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे फॉलोअप करेंगे, रिटेल कैसे करेंगे, इन सब चीज को लेकर के निगेटिव निगेटिव हमारा माइंड होता चला जा रहा है। और हम लोग घर बैठे बैठे स्ट्रांग होने की बजाय, अपने आप को मजबूत बनाने की बजाय, हम लोग निगेटिव हो रहे हैं, निराश होते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास का जो लेवल है वो हमारा धीरे 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 जमीन में जाता जा रहा है। तो इसी निगेटिव निराशाओं के बीच में, ये जो निराशावादी सोच है, इसी बीच में मैंने आपको ये बताने का काम किया कि लॉकडाउन के बाद नोटों की बारिश कैसे होगी। जी बिल्कुल सही बात है। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि ये तीन सवाल। हेलो एवरीवन, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं देवेंद्र मंडल आपके बीच आज एक नया टॉपिक, एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड पर काम किया कि लॉकडाउन के बाद नोटों की बारिश कैसे होगी। जी बिल्कुल सही बात है। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि ये तीन सवाल है, ठीक उसी के नीचे में ये तीन पॉइंट्स हैं जिसको आंसर के रूप में आप समझ सकते हैं, एक उत्तर के रूप में समझ सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? हमारा जो ये बिजनेस है स्मार्ट वैल्यू, इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वह है लिस्ट। लिस्ट अगर आपको किसी को प्लान शो करना है एजुकेशन के लिए तो लिस्ट चाहिए, अगर किसी को नोनी प्रमोट करना है तो लिस्ट चाहिए, किसी भी तरह का पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर केयर, हमारा इस बिजनेस का पूरा आधार एक ही बिंदु पर आके टिक जाता है कि नंबर ऑफ लिस्ट। लोगों से आधारित हमारा बिजनेस है, लोगों पर आधारित बिजनेस है। जब बातें लोगों पर आधारित बिजनेस होती है तब हम वहां पर लिस्ट बनाते हैं। और अभी का जो वर्तमान स्थिति जो है, आप देखिए चाहे आप जिस भी राज्य से हो, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं रोजगार करने के लिए, या अपने खुद के राज्य में भी अगर वो रोजगार कर रहे थे तो अगर 100 लोग रोजगार कर रहे थे तो 100 में से 60-70% लोगों का जो जॉब है वो चला जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। और जो 30% लोग बच जाएंगे, 40% जो लोग जॉब में बचेंगे, क्या उनकी वही सैलरी होगी जो लॉकडाउन के पहले था? बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन के बाद जो होगा उसमें 40-50% सैलरी उनका कट के आएगा। डिपार्टमेंट उसको ये साफ साफ लेटर भेज चुकी है। तो अब सवाल है कि जो व्यक्ति को 20,000 रुपया में जीने की आदतें थी, 20,000 रुपया में जिनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, उनका सैलरी 12,000-10,000 हो जाएगा, क्या वह व्यक्ति अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनको अपने लाइफ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इस रोटी कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए भी उनको उतना इनकम करना होगा जितना वो पहले कर रहे थे। अब सवाल है कि आज के टाइम पे इनकम करने के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मौकाएं कहाँ है? ये जो क्वारंटाइन पीरियड है, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये कोरोना महामारी ऐसा नहीं है कि अभी 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये साल 2 साल अभी चलेगा, वैक्सीन बनने में भी टाइम है,
वो वैक्सीन बनने के बाद आम नागरिकों तक पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला है, क्या उतने वक्त तक हमारे पास सेविंग है कि हम उन सेविंग बचे हुए राशि से अपना घर का जीवन यापन कर पाए? क्या लोगों के पास में ऐसी स्थितियां हैं? नहीं। तो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं, उनको जीवन चलाने के लिए, उनका तीन वक्त का रोटी दाना खाना पानी का व्यवस्था के लिए उनको कमाना पड़ेगा, उनको रोजगार चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां आज इस महामारी के दौर में जितनी भी सारी इंडस्ट्री है, सारा इंडस्ट्री के लोग आज परेशान है, ठीक इसी महामारी और इसी परेशानी के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में हम लोग पिछले 20 सालों से अपने समाज, अपने रिलेटिव्स को बताते आए, जागरूक करते आए, और उन्होंने हम लोगों को कहीं कहीं रिजेक्ट किया, कहीं कहीं हम लोगों को तिरस्कृत किया, कहीं कहीं हम लोग उनके पास जब समझाने जाते थे तो वहां से हमारी बातों को काट के व्यक्ति हमारा ही मजाक उड़ा के हमको भेज देते थे। आज वही लोग इस इंडस्ट्री को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ने लगी है, लोगों को आज रोजगार चाहिए। तो इन सारी बिंदुओं, इन सारी बातों को देखते हुए एक ही पॉइंट सामने निकल के आता है, जो ये लिस्ट वाली बात मैंने आपको बताया, हमारे पास लिस्ट की संख्या कई गुना बढ़ गई है, हमारे पास संभावनाएं, हमारी अपॉर्चुनिटी कई गुना बढ़ गई है। तो याद रखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको आपको खुश होने की जरूरत है, बल्कि हमको आपको अपना अपना झोली आज भरने का टाइम आ गया है कि इतने दिनों का जो हमारा आपका तपस्या था वो हम लोगों का पूरा होगा, मेहनत अब फल मिलेगा। कैसे? लिस्ट की संख्या हमारे पास बढ़ गई। लिस्ट की संख्या जैसे ही हमारे पास बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने बातों को हम पहुंचा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बातों को सुनेंगे। इसलिए निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, स्मार्ट वैल्यू बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? पहला पॉइंट था ये लिस्ट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लोगों में जागरूकता बढ़ी, किस बात को लेकर के? पार्ट टाइम इनकम करने को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के। हमारा जो ये सिस्टम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्शन सर्विसेज लिमिटेड, हम लोग जो काम करते हैं इन्हीं चार पांच चीजों पर हम लोग काम करते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर केयर, एजुकेशन केयर, फूड केयर, ये जितना भी हम लोगों का प्रोडक्ट है, चाहे वो कैटेगरी कोई भी हो, तो जब इन प्रोडक्ट्स को लेके हम लोगों के पास जाते थे लोगों को बताने के लिए, तो लोग उसी समय में उतना जागरूक नहीं थे, लेकिन आज मीडिया में, न्यूज चैनल में, हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर इन सभी बातों की जिक्र हो रही है, और हर कोई आज इन बात को मान रहे हैं। उनका जो दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट था कि ये गलत है, चाहे उनके अंदर में जो एक निगेटिविटी का जो एक बैरियर बना हुआ था, हर निगेटिव से निगेटिव लोगों का, निगेटिव लोगों का जो एक बैरियर था, वो बैरियर आज के डेट में टूट चुका है। कारण क्या है? ये कोरोना जो आया, इस कोरोना में बहुत सारा कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों को हम लोग बताना चाहते थे कि भाई आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करिए, लोग इस बात को नहीं समझते थे, लोग हमेशा सिर्फ काम 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 पे लगे रहते थे, हम लोग उनको स्वास्थ्य जागरूकता की बात बताते थे पर लोग नहीं समझते थे, लेकिन आज लोगों में खुद की जागरूकता बढ़ी है कि नहीं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हमको बढ़ाना है। जब लोगों के अंदर में, आम जनता के पास यह चीजें आ जाती है कि नहीं भाई हमको अपना सेहत अच्छा रखना है, ऐसे वक्त में हमारा जो इतना यूनिक प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट्स है, वर्ल्ड क्लास फूड सप्लीमेंट है, तो
इस सप्लीमेंट को हम लोगों तक आसानी से और भी बेहतरीन ढंग से लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, उन तक अपनी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हम उन तक पहुंचा सकते हैं। सो यहाँ पर पार्ट टाइम इनकम की अगर बात करें तो जो लोग नौकरी करते थे उनको अगर हम प्लान करने के लिए जाते थे तो वो बताते थे उनके अंदर में एक अजीब टाइप का एक ईगो हुआ करता था कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ। लेकिन आज ये कोरोना वायरस उनके अंदर का जो एक ईगो था कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो उनका ईगो भी टूट गया। और जब उनका ईगो टूट गया फिर अभी जब हम उसी व्यक्ति के पास जाएंगे प्लान्स देने के लिए तो वो 110% गारंटी के साथ हमारे इस प्रेजेंट को प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और हमारा बिजनेस पार्टनर बनेंगे और वो भी अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे, साथ ही साथ आपका भी बनाएंगे। उसके बाद है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों के मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के एक निगेटिव सोच था, निगेटिव विचारधारा था कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बनाने का चीज है, लोगों को जोड़ने का चीज है वगैरह वगैरह। लेकिन आज उसी व्यक्ति का जिसके अंदर में निगेटिव चीजें थी वो इस सेक्टर को लेके पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि पूरे दुनिया का जो सर्वे रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में यही क्लियर आ रहा है कि सारा इंडस्ट्री जो है अभी लगातार घाटे का शिकार हो रही है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जहां पर कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जॉब करते हुए भी, आप अपने पुराने व्यवसाय को करते हुए भी अपना एक बड़ा बिजनेस करने का अगर आप सोच सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत। आज जैसा कि आपने आए दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो स्पीच होता है उस स्पीच में आप सुनते होंगे डायरेक्ट सेलिंग की बातें, नेटवर्क मार्केटिंग की बातें। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार आज कई सारे गाइडलाइंस जारी कर रही है, उसके लिए अलग से फंड सरकार दे रही है। तो आज के डेट में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बूमिंग सेक्टर है जिस सेक्टर में करोड़ों अरबों रुपया है। डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि हम उस रुपया में से कितना परसेंट खुद के लाइफ में ऐड कर पाते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं ये हेल्थ। आज अगर हेल्थ की बात करें, लाइफ में आदमी किसी भी चीज को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन हेल्थ ही एक ऐसा चीज है जिसको हम इग्नोर करके नहीं जी सकते हैं। आज बच्चे में, आज बूढ़ों में, आज यंगस्टर्स में, हर किसी के अंदर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और जब लोगों के अंदर में स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ती है हमारा काम और भी आसान होता है, क्योंकि हम उनको जागरूक करते थे, करने के बाद उनको प्रोडक्ट प्रमोट करते थे। आज जब हम उनके पास जाएंगे ऑलरेडी उनको ये पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हमको सप्लीमेंट लेना होगा। और उनके पास हम लेके क्या जा रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वो लेके हम उनके पास पहुंच रहे हैं। इसलिए चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल लाइए और अपने अंदर का निगेटिव चीज को बाहर करिए। साथ ही है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि, आज बहुत सारे युवा हैं जो देश विदेश में जॉब करते थे, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जॉब करते थे, लेकिन उनके अंदर में एक कृषि को लेकर के गजब की चेतना आई है कि नहीं, हमको अपने देश में रहना, अपने समाज में रहना है। और यंगस्टर जो है आज कृषि के ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। हम उनको मदद करेंगे एक मजबूत किसान बनने में, हम उनको हेल्प करेंगे एक स्वस्थ और एक तंदुरुस्त खेती मतलब किसान बनने में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास। तो जब हम जागरूकता की बात करते हैं उनको ये हेल्थ प्रोडक्ट्स दे करके हम उनको इस रूप में मदद कर सकते हैं। साथ ही है थर्ड पॉइंट, जॉब की कमी और सैलरीज में कटौती। आज आप देखिए, हमको बताना नहीं पड़ेगा, आपको पहले से पता है कि जो लोग जितनी सारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, कहीं पर जॉब कर रहे थे, उनका जॉब, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है। जो कुछ परसेंट में लोग जॉब में ठहरेंगे उनकी जो पुरानी सैलरी थी वही अभी अब नहीं रहेगा, क्योंकि सैलरी उनका कट जाएगा, क्योंकि जो भी कंपनी अभी है उनको स्टैंड करने में वक्त लगेगा। इसलिए
इस मौके का पूरा पूरा लाभ हम लोगों को उठाना है। बोलिए कैसे? ऐसे हम लोग उठा सकते हैं लाभ कि जो लोग रोजगार करते थे, जिनको इनकम ज्यादा करने की आवश्यकता थी, उनका इनकम घट गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद उनसे हम लोग रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद हम उनको अपना प्लान शो देंगे। प्लान शो देने के बाद फॉलोअप मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो पेमेंट लेके आएंगे और हमारा आईबीए बनेंगे, आपका डाउनलाइन बनके, वो भी आने वाले टाइम में सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम पर्ल रूबी सैफायर बड़ा बड़ा पिन पाएंगे और आपको भी सीलिंग पोजीशन पर पहुंचाएंगे। है ना कमाल की बात, है ना मजबूती वाली बात। तो आपके चेहरे पर स्माइल हम समझते हैं कि आ गया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियो का, इंटरेस्टिंग वीडियो का लाभ आपको मिल पाए। यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं देवेंद्र कुमार मंडल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमारा फेसबुक पेज है द कॉलेज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। थैंक यू सो मच, वीडियो बनाने में ये सब कंटेंट्स को तैयार करने में काफी मेहनत लगता है। आपका एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। देर किस बात की है, एक बार कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।